देखिए ये एक अफसोस की बात है कि जो हमारे अभी कश्मीर के हालात बने हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें ऐसी मुसीबतें और डालना सरकार की तरफ से इस ये काबिल मजम्मत है हम नहीं चाहते कि हम लोगों को ऐसी मुसीबत में डालें। लोग काफ़ी इकनॉमिकली वीक हुए हैं एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपको पता है उसके बाद कोविड भी एक दो साल ढाई साल रहा यहाँ पर लोग इकनॉमिकली वीक है और ऐसी कोई कॉरपोरेशन दोबारा फैसिलिटी भी नहीं है लोगों के पास जिससे वो खुश होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट होगा तो हम प्रॉपर्टी टैक्स को भरेंगे तो ये एक गलत इख्त है और सबसे आ, इसमें जो खास आ, मैं लोगों को कहना चाहूँगा या सरकार की पास मेरी बात पहुँचनी चाहिए कि जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है चाहे वो पंच है सरपंच है डीडीसी है बीडीसी है म्यूनसिपल काउंसल्स के जो काउंसलर्स है या कॉरपोरेटर्स है श्रीनगर शहर के किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है कि आ, भाई टैक्स लगने वाला है हमने ड्राफ्ट बनाया है प्रपोजल ऐसा है हमारे साथ ऐसे डिस्कशन नहीं हुए हैं अब सरकार ने आ, एक खुद ये डिसीजन लिया है ये हमें कॉरपोरेशन में आ, एडॉप्ट करना है हम इस चीज़ को अडोप्ट कॉरपोरेशन में नहीं करेंगे इसको बाबत हमारे जो कमिश्नर है एस उनको सी उनको बाबत एक नोटिफिकेशन आएगी उनको सरकार की तरफ से ये स्पेशल ऑर्डर आएगा तो बज़र ये नोटिफिकेशन उनको हमारे काउंसिल में प्रेजेंट करनी है हम उसको उधर ही आते समय ही रिजेक्ट कर देंगे सभी जो कॉरपोरेटर शहर के हैं रिजेक्ट कर देंगे देखिए हम इस वक्त जो सरकार तनकीद हो रही है लोगों द्वारा मैं वो भी बात रखूँगा लोगों की क्योंकि हम इलेक्ट्रिक नुमाइंदे हैं शहर के उन्होंने हमें वोट दिए हैं हमें भी हक़ है उनकी बात रखने का आप देखिए डेलीवेजर्स का मसला पिछले बीस सालों से हल नहीं हो रहा है पच्चीस सालों से हल नहीं हो रहा है उन लोगों वो लोग क्या टैक्स देंगे जो अभी जिनकी तनख्वाहें नहीं निकलती है वक़्त पे उनको उन पर आप कौन सा टैक्स लगाएंगे कौन सी पॉलिसी है ये सरकार की हम इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं अगर आपको ये चीज़ें ठीक करनी है टैक्स लेना है लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी भी वैसी होनी चाहिए लोगों के पास यहाँ पर कौन सी फैसिलिटी आप देखिए पूरा शहर खुदा हुआ है लोग प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो किस बात का देंगे हमारे पास अभी यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप कॉरपोरेशन की बात करूँगा हमारे पास डेटा नहीं है यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स कितने हैं हाउस कितने हैं वो वहाँ सर्वे भी नहीं हुआ है अभी और ऐसे में आप एसओ निकालते हैं उन आप, वो अफसर हजरात यहाँ पे एसओ निकालने आए हैं जिनका यहाँ पे यहाँ पे कोई स्टेक है ही नहीं वो यहाँ पे डेप्टेसन पे आए हैं उनको लगता है कि जो बाहर के स्टेट्स में माहौल है वैसा कश्मीर में भी माहौल है मगर आ, मैं आपकी वसादत से लोगों तक ये बात पूछना चाहूँगा और सरकार की तोज़ु इसमें चाहूँगा कि यहाँ पर हालात बहुत डिफरेंट थे यहाँ पर हमने आ, एक तीस साल का जो यहाँ पर हालात ख़राब रहे हम उस दौर से गुजरे हैं उस पर फिर 370 का दौर आया उस पर फिर कोविड आया हम इन चीज़ों से अभी उभरे नहीं हैं यहाँ के लोग इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है ये तो अल्लाह का शुक्र है हम खाना खा रहे हैं शाम को देखिए हम श्रीनगर मुंसिपल कॉरपोरेशन मैंने कहा कि ये जो एसओ निकला है कल ये जो म्यूनसिपलिटीज़ है और म्यूनसिपल काउंसल है डिस्ट्रिक्स में ये उनका निकला है यूएलबी का निकला है हमारा अभी एसओ नहीं निकला है इनका कॉरपोरेशन का जम्मू और श्रीनगर का नहीं निकला है हालांकि मुझे पता है वो भी निकलेगा एक दो दिन में सरकार उसे भी शाया कर देगी मगर वो बज़र रेजोल्यूशन जब यहाँ आएगा हम उसको एकदम से मुस्तरद करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे ना हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे शहर में और ना ही हम इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे अपने कॉरपोरेशन में